अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन रान बनाने जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल तंदूर की तरह बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे। बिल्कुल आपको तंदूर की जैसी लगेगी, और टेस्ट में भी और वैसे भी। तो इसमें हमने एक बकरे की रान ले लिए, तो इसमें हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। और इसमें हम कट लगा लेंगे छुरी से, ऐसे ऐसे करके कट लगा लेंगे। ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से अंदर तक लग जाए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेंगे हम गोश्त में। ये देखिए हड्डी पे जुड़ा रहेगा, ऐसे दूसरी साइड से भी लगा लेंगे। और जब हम इसमें मसाला लगाएंगे तो इसमें अंदर तक मसाला भर देंगे अच्छे से, इस साइड भी। ये देखिए हमने ये कुंडा ही ले लिया, इसमें हम मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये आधा किलो दही लिया था और छन्नी में रख लिया था हमने इसमें, तो इसका सारा पानी जो है दही का, ये देखिए सब निकल गया है। तो ये गाढ़ा दही तैयार हो गया हमारा, ये देखिए कितना गाढ़ा सा हो रहा है। तो डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून इसमें ही, और मसाले डाल लेते हैं। तो हमने ये तंदूरी मसाला लिया है, तो इसमें और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज घर से आपको स्पाइसी चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हैं। को डालेंगे 3 टीस्पून, इसी के साथ साथ 1 टीस्पून हम सॉल्ट पाउडर डाल देंगे। कच्चे आपके पास सॉल्ट पाउडर नहीं हो तो आप अदरक लहसुन डाल सकते हैं। तो हम पाउडर डालेंगे सब इसमें, ताकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और लिक्विड चीज़ों से पानी हो जाता है। तो आधा टीस्पून हम लहसुन पाउडर डाल देंगे। ये हमने सब घर में ही बना के रखे हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ नींबू का रस, दो नींबू का रस डाल सकते हैं आप इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नमक डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो हमने ये आधा टीस्पून ले लिया है नमक। देखिए 2 टीस्पून बेसन डाल देंगे, और विनेगर डालेंगे 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और गलने में मदद भी करेगा। ये मसाले को हम अच्छे से मिला लेते हैं सारे, तो लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। हमने हाथ से अच्छे से मिला लिया मसाला, अब हम इसमें ये रान रख लेंगे। अब हम इसमें मसाला अच्छे से लगा देंगे कि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो इसमें रेड कलर डाल सकते हैं, या लाल मिर्चे डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्चे, तो उससे कलर रेड हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये रात में लगा के रख सकते हैं और सुबह आप बना के खाएं, बहुत ही बढ़िया सा बनता है ये। देखिए अंदर तक जो हमने कट लगाए उसके अंदर तक हम घुसा देंगे मसाला अच्छे से। दो चम्मच हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब। सभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से मसाला लगा दिया, अब हम इसे रख देते हैं 15 से 20 मिनट।
और इतने हम इधर कुकर रखते हैं चूल्हे पे और दिखाते हैं आपको। 20 मिनट हो गए हमारे मटन को रखे हुए, मटन रान को, तो हमने सिल्वर फॉइल ले लिया है। तो हम डबल करेंगे इसे सिल्वर फॉइल को, ये अच्छे से हमने चिपका लिए। इस पे हम रान रख देंगे, देखिए इसमें मसाला और लगा लेंगे, ताकि हमने जो है उठाया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसाला हट जाता है। देखिए इसे हम इसमें लपेट देते हैं इसे, ताकि हमारा जो है मटन निकले नहीं। तो टांग को हम थोड़ा सा दबा लेंगे ऐसे कि कुकर में अच्छे से आ जाए, थोड़ा सा छोटा करके। टांग को ऐसे लपेटे ताकि उसमें पानी ना जाए बिल्कुल भी, और ये फटे नहीं सिल्वर फॉइल करके आराम से इसे देखिए लपेट दिया हमने अच्छे से। जो इसका मसाला है इसी के अंदर रहेगा, और जो दही वगैरह हमने डाली है उसका पानी इसमें छूट जाएगा और ये अच्छे से गल जाएगी। तो ये हमारा मसाला इसमें अभी बहुत सारा बाकी है, इसे हम रख देते हैं संभाल के। इधर हमने कुकर ले लिया है, और देखिए एक गिलास हमने पानी ले लिया, इसमें डाल देंगे कुकर में। और इसमें हमने स्टैंड रख लिया है, तो ये जो है रान हमारी मटन की, तो हम इसमें कुकर में देखिए हमने रान जो है कुकर में रख दिया। ओके, अब इसे हम बंद कर देते हैं और मीडियम आंच पे 10 से 12 मिनट सीटी लगाते हैं। इसमें स्टैंड के ऊपर ही होना चाहिए, पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। लगा देते हैं, पहले हम तेज आंच पे एक सीटी आने तक पकाएंगे और फिर हम हल्का कर देंगे इसे मीडियम कर देंगे, और 12 से 15 मिनट के बाद दिखाते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए हमारे मटन रान को पकते हुए, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसे निकाल के देख लेते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इसे हमें और सेकना है थोड़ा सा, देखिए जो भी हमारे फॉइल में मसाला है वो हम इस पे वापसी इस पे ही लगा देंगे, तो अच्छे से टेस्ट आ जाए। बढ़िया सी सिक्के तैयार हुई है और बोटी अच्छे से गल गया, ये अलग हो गया है। ये देखिए हमने फ्राई पैन ले लिया, तो इसमें हमने ज़रा सा ऑयल डाल दिया, इसमें हम ये रान रख देंगे, एकदम सेक लेंगे। हमने अच्छे से हल्के हल्के सा सेक लिया, अब हम इसे इस पे स्टैंड पे सेकेंगे। तो स्टैंड पे हम ऑयल लगा लेते हैं ताकि अच्छे से इसका धुआं का सा मज़ा आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा हम इस पे सेक लेंगे, इस पे ऑयल लगा लेते हैं। इसे हम मीडियम आंच पे सेकेंगे, देखिए हमने पलट दिया, बिल्कुल एकदम भट्टी जैसा सिकेगा ये इसमें। ये हमारे कुकर में रान पूरी आ नहीं रही थी, तो इसलिए हमने ये हड्डी जो है थोड़ी सी तोड़ दी थी ताकि अच्छे से आ जाए। ऑयल लगा देंगे और
ये जो ऑयल के साथ धुआं आ रहा है इसमें, तो बिल्कुल एकदम भट्टी जैसा मजा आएगा। देखिए वाओ कितनी बढ़िया से सिक रही है, काफी अच्छी। हमारी रान जो है मटन रान बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी सिकी है और गली हुई तो ये पहले से ही थी। प्लेट में रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म हो रही है, चूल्हे को हमने बंद कर दिया। देखिए दम रान हमारी, तंदूरी भी कह सकते हैं क्योंकि हमने चूल्हे पे भी सेकी है इसे, तो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनी है ये, क्योंकि हमने थोड़ी बोटी आगे थी तो वो तोड़ के खाई है। अगरचे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।